बंदों प्रथम श्री विनायक रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वाणी माँ बिनवाऊ तुम्हें वागदान दान दो आज शिव भोले करिए कृपा भक्तन के सिरताज हृदय विराजो आय कर श्री गुरु गोरक्षना तपस्थल गोरखपुर जिनकी मंदिर गोरखनाथ निवास योग विद्या निधि परम वेता है आचार्य गुरु गोरखनाथ जिनकी महिमा विदित है जग में गुड़ गावे सारा संसार शिष्य परंपरा से गद्दी पर है वर्तमान श्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के महंत मंदिर गोरखनाथ यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो अब आगे का सुनो हवाल गोरख के गुरु सिद्ध परम थे जिनका नाम मस्तेंद्र नाथ गोरख गुरु मस्तेंद्र नाथ के सिद्धि का अब सुनो बयान कैसे मिली थी गुरु को सिद्धि करवाऊं उसका रसपान कैसे मिली थी गुरु को सिद्धि भास्कर देव की कृपा थी मस्तेंद्र पे महान दिए मस्तेंद्र नाथ को भास्कर ने वरदान एक भास्कर देव ने कहा सुनो मस्तेंद्र नाथ जिससे संबंधित मंत्र का कर लो तप जाप तुमको सब सिद्धि दे दूंगा सुन लो बर देता हूँ आज सभी सापरी मंत्र की रचना जब कर लिए मस्तेंद्र नाथ भास्कर देव की किए तपस्या द्वादश वर्षों तप का जाप परम सिद्धि योगी यो बन गए भास्कर देव का था प्रताप उनके तप यो जब से खुश हो दिए पर आए भास्कर ना दुनिया में प्रसिद्धि हो गई सिद्ध योगी है मस्तेंद्र नाथ भास्कर की छाया सर रहती भास्कर की छाया सर रहती हो गए सिद्ध मस्तेंद्र नाथ बतलाऊंगा आगे अब मैं जन्म और चरित्र गोरखनाथ कैसे जन्म लिए गुरु गोरख भक्तों सुन लो ध्यान लगा कहाँ पे जन्मे प्रगटे कैसे क्या क्या चल दिए गोरखनाथ कहाँ पे जन्मे प्रगटे कैसे एक दिन तीर्थ यात्रा को निकले मस्तेंद्र नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंच गए बंगाल भोजन भिक्षा है तो फिर गए चंद्रगिरि ग्राम अलोक जगाया विप्र घर नाम था सर्वोप दयाल भिक्षा ले ब्राह्मण की पत्नी आई था नाम सरस्वती उसका मस्तेंद्र नाथ को भिक्षा देके देखने लगी टकटकी लगाए भंगमा भाव थी उसकी नजरें कर रही थी लाचारी कहना तो चाह रही थी कुछ पर कह न सकी ओ बेचारी मस्तेंद्र नाथ तो समझ गए थे और कहने लगे उस नारी से मांगो वांछित भर पाओगी तुम डरो नहीं गम ख्वारी से ब्राह्मण ने सोचा क्या देगा ब्राह्मण ने सोचा क्या देगा खुद ही याचक है योगी स्वयं ही भिक्षा मांग रहा तब मुझको क्या देगा योगी योगी कहता मांग मांग तू
मांग ही लेती हूँ एक बार, लेती हूँ मैं मांग एक पुत्र, देखें क्या कहता रबर, लेती हूँ मैं मांग एक पुत्र। निःसंतान का दुख मुझे दे दो पुत्र का दान, देना चाहते हो श्री योगी तो दे दो यही वरदान। मुझे यही दुख योगी बाबा प्रभु एक पुत्र दिला दीजिए, योगी राज मुझ बा जिंदीला, पुत्र कलंक मिटा दीजिए, कम से कम तर्पण करने को उनका वंश चला दीजिए, बस इतनी कृपा कर गुरुवर, घर में ज्योति जला दीजिए, योगिन भस्मी देकर बोला, खीर में इसे मिला लेना, ऋतु स्नान के बाद खीर तुम प्रेम से भोग लगा लेना, साक्षात हरिया सावतार ले, साक्षात हरिया सावतार ले, प्रकट तेरे यहाँ होएंगे रिद्धियाँ सिद्धियाँ के समेत, फिर भगवान तेरे यहाँ जन्मेंगे, बारह वर्षों बाद पुनः मैं तेरे घर लौट के आऊँगा, उस बालक हरि नारायण को शिक्षा दे वापस जाऊँगा, सरस्वती भस्मी ले घर आई। बतला उनकी भी राय कुछ ले आऊं, आखिर सखियों को भस्म दिखा कर पूरा हाल बता डाला, सखियों से पूछी बताओ सखियां, हो जाए न गड़बड़ झाला, उसकी बोली एक सखी सुन, मोहनी मंत्र न हो इसमें, तुमको नुड़ाल जाए सखी सुन, हमको तो है सुबह इसमें, ऐसे योगी बहुत देखी हूँ, ऐसे योगी बहुत देखती हूँ, बहना हो गई बावली क्या, योगी पत्नियों का ठिकाना क्या, बस विष पुत्र जन्मेगा क्या, सब घर को सलाह है सखी सुनना, मेरी राय है मत खाना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, बाद बिना हो पछताना, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, तभी पड़ोसन सरस्वती यहाँ गया, सुनकर मुँह बिचका रही, कहने लगी समझाए, मुझे तो सखिए लग रहा, योगी ठगड़ा दिखा, करके मोहन मंत्र वह माल ताल ले जा। मैंने देखा है धोखे से विष भी खिला देते, कितने बेहोशी औसत खिला, सब धन धान ले चल देते, जिसको ईश्वर न दे पुत्र, योगी कहाँ से दे देंगे, मूर्ख बना कर हम सबको धन, चूसेंगे और ठग लेंगे, इसलिए हमरी यदि मानो तुम, भस्मी लेकर फेंकाना, धोखे पड़ कर खा लोगी तो, बड़े न तुमको पछताना, एक और सख समझा रही, एक और सख समझा रही, कितनी सीधी साधी सखियां, झूठों के संगत में फंस करके सर्वस्व गवा देती सखियां, झूठों के संगत में फंस करके सर्वस्व गवा देती सखियां, झूठों के संगत में फंस करके सर्वस्व गवा देती सखियां, झूठों के संगत में फंस करके।
बार गड्ढे में जा करके योगी भस्म बहाय दिया। सखियों के बहकावे में उसने अपना सौभाग्य बिगाड़ लिया। योगी का भसना खा करके दुर्भाग्य स्वयं ही वरण किया। बन जा रहना भाग में था तो भस्मी वह खाती क्यों कर। महायोगी द्वारा दिया हुआ वह अमोघ फल पाती क्यों कर। बन जा रहना भाग में था तो बंध्या रहना भाग में था तो भस्मी वह खाती क्यों कर। महायोग द्वारा दिया हुआ वह अमोघ फल पाती क्यों कर। उसका विकास धीमी गति से गोबर गड्ढे में हो रहा था इसलिए उस गड्ढे की तरफ ना किसी का ध्यान भी जा रहा था। उसका विकास धीमी गति से अब आगे का हाल क्या सुनो भक्त हर साल योगी बात बारे बरस लौटे चंद्रगिरिया। योगी ने सोचा सरस्वती का पुत्र अवश्य जन्मा होगा। 11 वर्षों से अधिक उम्र उस बालक का तो हुआ होगा। चंद्रगिरि ग्राम सरस्वती के घर योगी अलख जगाया है। निकली सरस्वती भिक्षा देने अतिथि द्वार पर आया है। देखा तो मस्तेंद्र योगी जो मुझको भस्मी दे गया था 12 वर्षों के बाद वही थी। योगी अलख जगाया था पुत्रोत्पत मंत्री भस्मी जो पुत्रोत्पत मंत्री भस्मी जो खाने को मुझको दे गया था। जिसको मैं भ्रमित गाँव के बाहर गोबर गड्ढे में बहाया था। डर के कारण कांप रही थी सोचती होगी मुझे सांप ने दे। चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया चाची मोन भिक्षा दे दे। चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया पर योगी भिक्षा तेरी कोख जन्मा होगा। क्या पुत नहीं हुआ माता जी क्या होकर नष्ट हुआ माता। चुप्पी तोड़ो उत्तर दो तुम बालक दिखलाओ माता। जो मैंने दी थी सिद्ध भस्म निष्फल कभी ना हो सकता। वो पुत्र अवश्य जन्मा होगा ऐसा विश्वास मेरा माता। सरस्वती दर्प से ये कहती सरस्वती डर बस ये कहती। आपकी भस्मिन खाई थी सखियों द्वारा भ्रमित हुई थी इसलिए भस्म के आई थी। सखियों द्वारा भ्रमित हुई थी आपकी भस्मिन खाई थी सखियों द्वारा भ्रमित हुई थी इसलिए भस्म के आई थी। सखियों द्वारा भ्रमित हुई थी जहाँ फेंकी थी भस्म को वह गड्ढा दिया दिखा। गोबर गड्ढा जहाँ था गांव बाहर ले आ। देखा उस गड्ढे में जाकर ज्यादा गोबर भरा हुआ। योगी बोले बाहर आओ गोबर गड्ढे में करता क्या। तीसरी बार आवाज दिया तो मंदिर ध्वनि सुनाई पड़ा। गुरुदेव ये गोबर हटवाए तब तो बाहर आऊं। वहां चंद्र गांव के लोग वहां पर चमत्कार दौड़े आए भारी संख्या में लोग वहां गोबर सारा हटवाए। बालक गड्ढे से बाहर आ बालक गड्ढे से बाहर आ। मस्तेंद्रनाथ का पांव छुआ गोबर से उत्पत्ति के कारण। गोरखनाथ नामकरण किया सरस्वती पछता रही बहु। योगी बोलन पछताओ भाग में तेरे पुत्र नहीं था।
घर जाओ ना सच्चा हो भाजम तेरे पुत्र नहीं था। प्रभु भजन जाकर करो सतगति करो उपाय सतगति दे पाता नहीं पुत्र तू पुत्र हो जाए सरस्वती को समझा कर भेजा घर को जाओ दीक्षित नाथ संप्रदाय ने की गोरख को उस ले गोरख को मस्तनाथ तीर्थ यात्रा करना शुरू किया दिन भर चलते फिर रात्रि में रुक कर सुबह प्रयाण किया किसी मठ अथवा मंदिर में एक रात से अधिक नहीं रुकते इस तरह यात्रा करते करते दोनों ही उत्कल राज पहुँचे श्री जगन्नाथ के दर्शन की मन में उत्कंठा प्रकट हुई पर्वत ऊपर एक मंदिर था जिसका नाम था कनकगिरी पर्वत का नाम कनकगिरी था पर्वत का नाम कनकगिरी था पर्वत के नाम ग्राम भी था गांव के बाहर फिर मंदिर वहीं ठहर गए यत पावन था गुरु भक्ति परीक्षा को रखी उनको लेने की इच्छा थी जागी उत्कंठा गुरुवर की तू गोरख की परीक्षा भी जागी उत्कंठा गुरुवर की गोरख को समझा कर कहावत दो ध्यान अतिशय भूख लगी मुझको क्या कारण नहीं ज्ञान कैसे भूख शांत मेरी तुमको उपाय मैं बतलाऊं भिक्षाटन कर भोजन लाओ आत्मा भोजन पाऊं जो आज्ञा कह गोरख आए उस कनक गिरी के ग्राम भीतर अलग जगह या भोजन हित है अनेक घरों में जा जाकर पर भोजन ना मिला उन्हें तो ना कोई लाया अपने घर से एक घर ब्राह्मण चहल पहल देखा तो उस घर जा पहुँचे उस समय वहाँ भोजन करने की उस समय वहाँ भोजन करने की ही आयोजन हो रहा था साथ में तर्पण के पश्चात ब्रह्म भोज कराया जा चुका था वहाँ उचित समय गोरखनाथ उस बार पयल उच्चारण किया रे स्वामी प्रसन्नता पूर्वक चौ प्रकार भोजन प्रचुर दिया रे स्वामी प्रसन्नता पूर्वक भोजन अनेक रुचकर गोरख ले साथ में गुरु की सेवा में प्रसन्न मन लाए हैं भोजन गुरुदेव करें स्वाद ले बखान करें गुरु को अर्पित करी प्रसन्न मन भाए हैं उड़द दाल दही बड़ा खाकर श्री गुरु मस्तेन्द्र नाथ भोजन समाप्त कर बड़ा सुख पाए हैं जाओ तो चार और मांग कर दही बड़ा वत्स मुझे तृप्त करो गोरख को फरमाए हैं दो चार दही बड़े और दे दो माता जी गुरुवर भगवान अभी तृप्त नहीं पाए हैं बोली योगी जो भोजन दीता पेट नहीं भरा तेरा गोरख बोले हे माता जो वह भोजन गुरु को सौंप दिया पर गुरु इच्छा दो चार बड़े खान को इसलिए भेज दिए गुरु को दही बड़े अच्छे लगे दो अनुरोध करूं माते लहर ले रही जीभ तरी क्या देता गुरु तो सह बोली कटका कर रोष में गोरख से कठोर शब्दों में वो बोली गोरख बोले मैं सत बोलूं गोरख बोले मैं सत बोलूं भोजन हमने छुआ नहीं न चखी मैं गुरु इच्छा से आकर पुनः निवेदन की तू ढोगी लगता नहीं होगी
तिरस्कार स्वर में बोली, अन्यथा तेरे जैसा पेटू। भल क्या करता वो बोली, अन्यथा तेरे जैसा पेटू। पुनः शांति स्वभाव से बोले गोरखनाथ, मांगो मैं पूरा करूं जो है मन में मान। पर मेरे गुरु की इच्छा को तुम पूर्ण करो हे माता जी, कम से कम एक बड़ा तो मुझको दे दीजिए हे माता जी। गृह स्वामी बोली है योगी, देगा तेरे पास है ही क्या, जो चाहो वही मैं दे सकता, पर एक बड़ा दे दो माता। कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से बोली, तुम कहते हो सत्योगी, बड़ा अवश्य मैं एक दूंगी, पर बदले में एक आंख लूंगी, दूंगा गोरख ने व्यक्त किया, दूंगा गोरख ने व्यक्त किया। ब्राह्मण बोली आती हूँ बड़ा, वह भीतर गई बड़ा लेने, गोरख बाया हाथ बढ़ाया, की पुतली खींच लिया एक, आंखों से रक्त प्रवाह निकला, ब्राह्मण बड़ा लेकर के आई, देखा जो सिद्ध कांप गया, ब्राह्मण बड़ा लेकर के आई। भीतर से गृह स्वामिनी बोली, मुझे अति खेद पश्चाताप कर रही, समझ सकी ना भेद। भीगे हुए कपड़ों से आंख धोए, आंख में पट्टी बांध लिया, गुरुजी को नहीं बतलाऊंगा। मन में उसने ठान लिया, सोचा जान पाए न भेद गुरु। गुरु ने पट्टी देख कहा, आंखों पर पट्टी बांधी क्यों, वत बताओ बात है क्या। गोरख ने बात छिपा करके कुछ, दर्द है आंख में गुरु से कहा, अस्पष्ट गुरु जानना चाहे सब, इसलिए गोरख से पूछा, पर दर्द हुआ कैसे बोलो तुम, पर दर्द हुआ कैसे बोलो है, बस कहो सच सच हमसे। गोरख बोले गृह स्वामी ने, आंख लेकर बाढ़ दिया मुझे, सुनकर घटना गुरु के मन में, स्वामिन के प्रतिरोध हुआ, गोरख सोचे ना अनिष्ट हो, गुरु से सारी बात कहा, गोरख सोचे ना अनिष्ट हो। उसे क्षमा जब तुम किए, मैं क्यों करूं अनिष्ट, गुरु भक्त हो पूर्ण तुम, कोई बात ये पुष्ट। गोरख ने सिर को झुका दिया है, गुरु आभार प्रकट किया है, वह भी गोरख को गुरु ने दे विद्याएं प्रदान किया है, मस्तनाथ ने गोरख की पानी से स्वच्छ किया, गोरख के आंख गोलक में, पुतली रख मंत्र युक्त किया, आंख का दल सब चला गया। फिर पहले से दिखाई देने लगा, उस योग शिष्य की प्राप्ति कर, परीक्षा में उस पास किया, गोरखनाथ गुरु गोरख बनकर, गोरखनाथ गुरु गोरख बन या पूर्ण सिद्ध को प्राप्त किए, गुरु गोरख महायोगी कह सब। विद्याओं से युक्त किए, निगमागम की विद्या देकर, परीक्षा उत्तीर्ण कर दिए हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ, परम सिद्ध भी बन चुके हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ। गुरु मस्तेंद्र नाथ ने ले गुरु गोरख साथ, यात्रा में फिर चल दिए दोनों एक ही साथ। साधन स्थल स्वच्छ करें, पूजन सामग्री एकत्र करें, हर आवश्यक सामग्री भी, गुरु के कथनानुसार चलें, हो तत्पर गुरु सेवा भी करें,
स्नान ध्यान जल पान करा पुर सेवा से मौका पाकर पुर आज्ञा लेकर पूजा गुरु नरसिंह पूजा साधन में जब लीन हो जाया करते गुरु आज्ञा से नरसिंह पूजा गोरखनाथ भी थे करते कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर नरसिंह ने दे दर्श कहा मांग लो बच्चों चाहते हो तुम नरसिंह ने हो प्रकट कहा हे दयालु पर फूल की बाजो उस पर आपकी बनी रहे आपकी भक्ति बनी रहे कृपा की वर्षा होती रहे आपकी भक्ति बनी रहे प्रभु तथास्तु कह नरसिंह देव हो गए अंतर ध्यान उसी दिवस गोरख कभी दर्शन दिए भगवान पूछा गोरखनाथ से क्या दे दूं भक्तराज चाहो जो कुछ मांग लो बल दूंगा तुम्हें मैं आज गोरख बोले प्रभु जी मैं गुरु चरणों का सेवक बना रहूं आपकी भक्ति बनी रहे और आपका भक्त मैं बना रहूं भगवान बोले वह दिए तुम्हें तुमने मांगा पराक्रम तुझ में सामर्थ पराक्रम दिया तुम्हें और होगन निराश कभी तुम्हें वर दे कर गोरखनाथ को जब नरसिंह अंतर ध्यान हुए तब गोरख गुरु पास में जाकर प्रभु दर्शन की चर्चा किए तब गोरख गुरु पास में जाकर प्रभु दर्शन की चर्चा किए करके उपासना देवियों की वो गोरख को है दर्श दिए उन देवियों के द्वारा श्री गुरु देवियों से बर दिलवाए महिष मर्दनी गोरख को सब सिद्ध योग वरदान दिया हनुमत लाल से कह गुरुवर ने श्री गणेश की साधना उपासना जब की श्री मस्तेंद्र नाथ संग गोरख भी हुए लीन हो प्रसन्न श्री गणपति जी दर्श दिए तत्काल जो चाहते हो मांग लो दे दूंगा यही काल जो कुछ भास्कर देव से सिद्ध पाए गुरुदेव वैसा ही गोरखनाथ को दिलवाए गुरुदेव पाकर भास्कर देव से सिद्धि गोरखनाथ फल स्वरूप संजीवन मंत्र पूर्ण मिल गई बुद्धि दो गोरख को प्रभु इतनी रहो सहाय प्रभो पुण्य का सब विद्याएं सब पारंगत हो जाए प्रभो विद्याओं का ज्ञाता होगा गणपत मस्तेंद्र से बोले दर्शन देकर बर मांगो तुम मांगा भक्ति बनी रहे गुरु की प्रास राक्षस भूत सब योगनी पिशाच बेताल दिए वीर भद्र भैरव शिव गण सब गोरख को आशीर्वाद दिए जब समस्त देवता संबंधित अब समस्त देवता संबंधित सिद्ध हो गई सभी सहज आदेशों से पृथक विचरण एकांत में साधना सहज होके पृथक भी रहने लगे आज्ञा पालन करने लगे गुरु आज्ञा से पृथक कभी हो विचरण भी एकल करने लगे गुरु आज्ञा से पृथक कभी हो जो गण श्रवण या पाठ करें और गुरु गोरख का ध्यान सकल मनोरथ पूर्ण हो मिटे कलेश
ज्ञान।